नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और फिलहाल मैं खड़ा हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहां एक लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और यूपी के अलग अलग हिस्सों से किसान यहां पर एकत्रित हुए हैं और वहीं पंजाब से भी बहुत किसान यहां पर आए हुए हैं। वहीं यहां आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे किसान है और लगातार यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक किसान भाई हैं जो शायद हड्डियों का इलाज कर रहे हैं या मसाज कर रहे हैं, ये विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह जी, क्या कर रहे हैं अभी? हम ये इलाज डी टेस्ट का किया इनका। अच्छा, डिस्क प्रॉब्लम सर्वाइकल। अच्छा, कोई भी शरीर का जोड़ है। अच्छा, जो दो साल पहले की हड्डी जो डिस्क खराब हुई है ना जी, डॉक्टर जिसका बोलते ऑपरेशन कराना पड़ेगा जी, वो इधर ले आओ, उसी टाइम ठीक हो जाएगा। अच्छा, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो डिस्क प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल की बात की जा रही है। अभी देखिए फिलहाल करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो ऑपरेशन डॉक्टर बोल देते हैं उसको ये अपने हाथ से ठीक कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, आज देखो ना डिस्क का प्रॉब्लम था सर्वाइकल से की, उन्हें बैठे देखो पैरों पर बैठे। अच्छा, ये बैठे हुए हैं अभी। डॉक्टर जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं जी जी जी, डॉक्टर इलाज करके कहोगे जरा ये मरीज है ना, यदि डिस्क क्या हिल गई, थले पैरा भार नहीं पैना, मुद्दे सीधे नहीं होना, और एक जिस वेले अभी ठीक करांगे उसे वेले पैरा पर बैठू। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, मतलब कि जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो बैठ नहीं सकते हैं, इन भाई साहब का इन्होंने अभी अभी इलाज किया और ये अभी बैठे दिखाई दे रहे हैं। एक एक जनाब हमारे साथ और है और इनकी आपकी क्या प्रॉब्लम है? डिस्क प्रॉब्लम है। डिस्क प्रॉब्लम है, कब से है ये? 2 साल हो गए मेरे को। क्या समस्या आती है आपके? ये जब यहाँ होता है यहाँ से दर्द चलती है, ये यहाँ से यहाँ चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है, तो दर्द होती है। ये कह रहे हैं मैं अभी सही कर दूंगा। चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह जी हैं जिनकी डिस्क प्रॉब्लम ठीक करने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? मेरा अजय सिंह। अजय सिंह जी जो है सुखपाल सिंह जी की डिस्क की प्रॉब्लम ठीक करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं किसान आंदोलन में हम हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसान किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और हर तरह की सुविधा यहां उपलब्ध है। और यहां तक कि देखिए अभी उन्होंने एक दावा किया है कि जिस डिस्क प्रॉब्लम को जो स्पाइनल में होती है डॉक्टर्स डिनाई कर देते हैं उसे वो ठीक करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो आपको काफी समय से प्रॉब्लम? 2 साल हो गई। 2 साल से प्रॉब्लम है। मैंने दवाई बहुत खाई। अच्छा, होता है सही, फिर बिगड़ जाता। क्या आप कैसे हुई थी प्रॉब्लम? ये चलते फिरते में हो गई थी। चलते फिरते में हो गई थी, मतलब जैसे हिल जाता है। हिल जाता है तो डॉक्टर से कहा तो कर ऑपरेशन होगा। अच्छा, तो आज हमको ये मिल गए। अच्छा, अजय सिंह जी जी। अच्छा, किसान आंदोलन? किसान आंदोलन। देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर हम खड़े हैं और यहाँ पर अजय सिंह जी हैं जो किसान भाई जितने भी आए हुए हैं, अव्वल मैं तो देख रहा हूँ किसान नहीं भी है, अगर कोई भी जरूरतमंद है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि किसी के पैर का इलाज कर रहे हैं। क्या हुआ पैर में? इसको 10 साल हो गया, एलर्जी हो। एलर्जी है? अच्छा जी। दवाई ले ली, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी देखो ये एलर्जी के ऊपर एक बार मैंने दवाई लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये दवाई है एलर्जी के ऊपर लगाने वाली जी, जी। ये हम किसी को देते नहीं, इसमें दवाई है भी नहीं है, एक दो टिप का होगी तो ये देने वाली इसके ऊपर लिखा खतरा, इसको लगा नहीं सकते, दे नहीं सकते। एक बार हम लगाएंगे, एक दो बार उसके उसके बाद लगाओ इधर, उसके बाद ये दवाई होती है जी जो 2 महीने लगातार लगानी पड़ेगी। 2 महीने आप वैसे आप कहाँ पर होते हैं जैसे किसान आंदोलन के पहले? पहले हम हुशियारपुर, जिला हुशियारपुर में। अच्छा, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, जिला हुशियारपुर में, चब्बेवाल के नजदीक, मालपुर के नजदीक, चक मल्ला गुरुद्वारा, चक मल्ला। हाँ, जहाँ पर हम डिस्क का, सर्वाइकल का, कैंसर का, गुर्दिया का, फिर अपना हार्ट का, तो जैसे मिर्गी का, जैसे जो भी कुछ ये सप का इलाज सब करते हैं आप खुद। देखिए अगर आप होशियारपुर से हैं, पंजाब से, और गुरुद्वारे का नाम क्या बताया आपने? चक मल्ला तन तन बाबा काबल सिंह चक मल्ला गुरुद्वारा। चक मल्ला गुरुद्वारा नाम बता रहे हैं। और वहाँ अगर आप जाएं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज करते हैं। कैंसर, जिस कैंसर का वो इलाज है जिस बंदे को डॉक्टर ने जवाब दिया 34 स्टेज का जी, वो साड़ी दवाई खाने वाला बंदा रोटी पानी दूध के खांदा होना चाहिए आ, वो इजाज़ घट तो घट 4-5 महीने, किसी नु साल भी लग सकता, बाकी वो ओदी आयु दे हिसाब दे नाल है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੀਏ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ
चौथी स्टेज का कैंसर है, बशर्ते वो खा भी रहा है तो उसका इलाज मुमकिन है। अभी देखते हैं कि किस तरह से डिस्क का इलाज करते हैं। आप कुछ बता रहे थे अपने जी उनके बारे में, डिस्क का प्रॉब्लम मेरे को वही तो मैंने बताया कि 2 साल हो गए और ये कह रहे हैं कि मैं अभी सही कर दूंगा। अच्छा तो जाइए इनको लगा दें दवा, फिर करने जा रहे हैं। देखिए एक एक पेशेंट है यहाँ पर, वो उनको दवाई लगा दी है। अब डिस्क का इलाज किस तरह से किया जाता है ये आप लाइव देखेंगे। इसका 2 चमचे देसी घी के रोज, 1 बार लेना, मीठा नहीं खाना तो घी जरूर खाना इसके साथ, हो जाएगा ठीक। ये दिखा दो, इसका डिस्क प्रॉब्लम सर्वाइकल भी है साथ। चलिए देखिए किस तरह से डिस्क प्रॉब्लम ठीक करते हैं। ये सर्वाइकल है, इसका मणका हिला हुआ है। ये आपको कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल है यहाँ पर? देखिए डॉक्टर के पास स्कैन है या एक्सरे है, हमारे पास कल की तरह के दिए हाथ है जहाँ नुक्स होगा वहाँ पकड़ लेंगे जाके। अच्छा पकड़ लेते हैं आप? हाँ, जहाँ नुक्स है ना, देखो हमारे नहीं हाथ है जी, जी, ये कल की तरह पाशद है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसके हाथ है इसका 4-5-6 साल से पहले का हिला हुआ है, अभी टाइम लगेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा। ये डिस्क है जी, जी ये दोनों डिस्क है, जब उसका नुक्स होगा तो पता लग जाएगा, उसको पता लग जाएगा जिसका ठीक करते हैं। अच्छा। हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ वह बताएगा। देखो ऐसे तेल लगाओ, ऐसे पर उठ जाओ, कपड़ा खोलने की जरूरत नहीं है, चले आप कोई बात कर देंगे 2 मिनट में, कोई परेशानी की बात। अब देखिए एक साहब और है जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है और उनका किस तरह से इलाज किया जाता है आप देखिए, आप समझिए। साफ कहना है कि ये कुदरती आमद है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद है जिसके थ्रू उनके हाथ में ऐसी शफा है कि वो ठीक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इनको लेटा दिया है, आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं? आवाज आ गई, बैलेंस कर रहे हैं, हमारी हेल्प करा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बाबा जी के साथ। इसको 1-2-4 का तो हम अकेला कर सकते हैं, इतने बंदे का कितना करेगा, कितना करेगा, सही बात है। 500 मरीज देखते हैं रोज का जी जी। एक बार दिखाइए कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर और ये सभी कहीं ना कहीं डिस्क प्रॉब्लम है इनको और ठीक कराने आए हैं। और ये देखिए एक बार उठ चुके हैं, अब इनसे पूछते हैं हम कि क्या हुआ है। हाँ जी कुछ लगा? बहुत लगा। लगा? हाँ जी। कुछ हुआ? बहुत दर्द हुआ तो, लेकिन शरीर जो आप ये दर्द सही हो गया, रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ बहुत रिलीफ मिल रहा है। आप भी थोड़ा को परेशानी हुआ है, लेट के देखो। हाँ मैं देखता हूँ, हम तो आपका। चलिए आप माइक पकड़िए। हाँ जी नहीं अभी ये हटेंगे ना फिर। हाँ, चलिए देखते हैं। अभी मेरे साथ एक ऑफर है कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी लेट कर देखिए। देखिए कहना अलग होता है लेकिन हाँ बूट खोलता हूँ, एक सेकंड। देखिए अब मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ, शायद थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे भी है, थोड़ा सा माइक आगे रखिएगा आवाज आएगी, थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे भी है, देखते हैं अगर फर्क पड़ता है तो। लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, जैसा मुझे महसूस होगा वैसा ही बताऊंगा। चलिए मैं खड़ा नहीं हो पाता, ये टांग परी हो गई, 2 साल का होता भी हो जाता है, ओरिजिनल की मामले में कोई नहीं आदमी और दसो कोई मैं कैसे लाया। अरे अरे मेरे मुंह में ये तो मेरा लाइव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं। हां तुम बताओ पहले क्या दिखता है, हल्का हल्का यहां पर कई बार कंप्यूटर पर बैठने से। हां वो मैं अभी कर दूंगा, ये एक मिनट पकड़ लो। देखिए कंप्यूटर पर बैठने से मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, देखते हैं अगर क्या होता है कैसे होता है। वैसे तो मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं, अब आप खुद ही जान जाओगे।
गर्दन घुमाइए गर्दन उधर ये भी हिला हुआ था डिस्क भी था ये सर्वाइकल भी था ये दोनों था दोनों डिस्क नहीं है तो तुम्हारे पता लग जाएगा काफी ज्यादा रिलीफ है। ये मेरा इलाज आप लोग देख पा रहे सर्वाइकल देखिए मैं फिलहाल यहाँ बैठा हूँ और जब इन्होंने मेरी बैक पर पुश किया और यहाँ पर दबाया तो वाकई मुझे लगा कि कुछ और जाहिर है कि आवाज भी आपको आई होगी, शायद माइक में भी आवाज आई होगी। काफी ज्यादा इफेक्टिव है और जिस तरह से ये सभी जरूरतमंद लोगों का इलाज कर रहे हैं। देखिए एक समय ऐसा होता है कि इंसान के पास पैसा भी होता है लेकिन उसे आराम नहीं मिल पाता, ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। देखो जो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना जी, डॉक्टर ऑपरेशन करोगे डिस्क का, कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। देखो जी हिलने वाली चीज क्या कर सकते बताओ, हरेक पास से कुछ हिल रही है, ठीक है, क्या कर सकते है? नहीं कर सकते। उसको चीरा देंगे, इसके साथ कोई चर्बी फर्बी कर देंगे तो इतना सारिया गोलियां दे देंगे के 6 महीने खाओ इसको, 6 महीने नशे दिया गोलियां बच पा होंगे। जिन्ना चिर गोली खाऊगा दर्द नहीं होगी, जो नहीं खाऊगा दर्द फिर होगी। मरीज ठीक हुंदा उसे वेले देखो, ओदी असी नाज भी देखते हैं जो सीज कोई घाट आ। आप एक बार दोबारा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजैब सिंह। अजैब सिंह जी, अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हो जो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो चाहे कि कल को आपसे कांटेक्ट करना चाहे, हमारे हुशियारपुर में आओ जी। देखो हमारा पंजाब में जी हुशियारपुर जी, हुशियारपुर का चब्बेवाल या मालपुर जी, दो शहर नजदीक लगते हैं छोटे छोटे जी, जी, जी। इसके गब्बे है चकमल्ला, चकमल्ला गुरुद्वारा, चकमल्ला गुरुद्वारा धन धन बाबा कावल सिंह तपस्थान चकमल्ला उत्थे दा मैं सेवादार हूं। उत्थे भी साडे ऐतवार नूं 400 दे करीब मरीज आउंदा, असीं पहलां भी देखदे हां सर। फिर असीं खुद खेतीदार जिम्मेदार हां, खेतीबाड़ी भी करदे हां, गुरुद्वारे वास्ते भी करदे हां, अपने वास्ते भी करदे हां। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ नर सेवा नारायण सेवा ये हर बात में कहा गया है। और उसके बाद असी आके सानू सिंगू बॉर्डर पैंदा जी जी जी, असी सिंगू बॉर्डर ते आके सेवा करती, अज तक असी उन्हां दी स्टेज ते नहीं गए जी, 6 हफ्ते 6-6 दिन असी ला के गए उत्थे जी। उस तो बाद इधरों सानू फोन गया सीगा वी इधर भी आ जाओ कितें, असी कहा चलो जरूर जावांगे। असी सवेर दे अज इत्थे आ गए हां, असी 3 दिन इत्थे लाउणे हल्ले, 3 दिन और करेंगे, 3 दिन और रहेंगे इत्थे। इसके बाद आप चकमल्ला हुशियारपुर जाएंगे। अच्छा। एक हफ्ता उधर एक लंगर लगाना, उधर के लिए जाना है जी, ऐतवार को उत्थे मरीज आते दवाई देनी है, उसके बाद एक हफ्ता फिर हम इधर आएंगे। नहीं आप ये बताइए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई नंबर आप शेयर करना चाहें किसका? आपका आपसे कॉन्टेक्ट कर 9851979 ये साढ़े गुरुद्वारे का नंबर है, जेड़ा गुरुद्वारे बोलना है नंबर जी जी जी। उत्थों सारी तुहानूं जानकारी मिल सकती है जी। जो तो मैं अपना देना मैंने दिन रात फिर कोई मतलब आते रहते हैं, ठीक है जी, उत्थों तुहानूं वो दवाई कोई खाने या नहीं पता लगता वो दस दोगे जी जी जी। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही एक बड़ा काम कर रहे हैं जी। और भी मेरा दोस्त है वो गुरुद्वारे जी सात तो बाद गुरुद्वारे सेवा करते हैं, उन्हों का है 9850-50-067 जी। एक इन्होंने बाजवा साहब का बोल दो तुम की नंबर थोड़ा 9814823055 जी। देखिए ये नंबर है, अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है जो ठीक नहीं हो पा रही है तो हुशियारपुर जाइए, आप चकमल्ला गुरुद्वारा है वहाँ पर अजाब सिंह जी हैं और वो जहाँ तक मुझे रिलीफ मिला है मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और एक जी जी एक ऐसी
थोड़ा जहा संघ के वास्ते आप खुद अपने वालों आज इधर बन रहा जी प्याज पाने मिर्च पाने अदरक पाने सुंड पाने थोड़ी क्रिएटिव पाने के लिए बना रहे हैं ये जो नजला है कोई माड़ी मोटी नजला बुखार कोई माड़ी मोटी बीमारी है सब उड़ जाऊगी जी कोरोना रेशा है फलाना है वो सब खत्म कर देंगे और ये जी कोरोना बीमारी से ना कोई नवी बीमारी नहीं एवं दिखा रहे हैं जिन्हें बंदे मरे है कोरोना जी दसे ने इन्होंने उन्होंने पिछले 10-20% बंदे कोरोना ना मरे हो गए बाकी हार्ट अटैक ना मरे जो दूर करते कोई नाल जाता नहीं सी वो बंदा थानू किसी नूं इहनूं मोदी नूं एक पासे कमरे च बंद कर दिओ सारा 10 मिनट मरिया लै लिओ ऐदा बंदे भैया डर से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं जो जिहड़ी कोरोना है बचे नहीं हुआ बनाया ओहदे च की चीज आ एक रेशा आ एक बुखार आ ये पहला नहीं सी आउंदा हुण भी ये डाक्टर इन्ने घटिया डाक्टर है इन्ने घटिया गवर्नमेंट आ घटिया इत्थे सिस्टम आ जिहदे विच जिहनूं कोरोना नहीं हस्पताल जांदे जिहड़ा तकड़ा बंदा हस्पताल लैके जाते इलाज गले का करते किसी होर चीज का करते कहते कोरोना है उन्होंने खंघ नहीं कोई रेशा नहीं बुखार नहीं कोरोना कितना होगी दसो ये बिल्कुल सरासरी झूठ बनाते हैं किसी एक दो चार बंदे कोरोना आई होगी बीमारी सी तो पहला भी सी हुण दा इलाज हो सकता हुण सारे तो बर्गर खाते तो कोई चीज खाता चाहती नहीं है खान पीन पर बहुत फर्क अजाब सिंह एक बात पूछेंगे आपसे लास्ट में ये जो आप जनसेवा कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है देखो बाबा काल सिंह सेवा करते हैं बुजुर्ग महापुरख से उन्होंने पोता साढ़े नाल है अच्छा जी कावल सिंह जी बोलते हैं हाँ उन्होंने पोता है क्या नाम है आपका नवजोत सिंह जी कैसा लगता है इनके साथ रह के बढ़िया लगता है अच्छा लगता है मजा आता है और जब लोगों की सेवा करते हैं तब कैसा फील होता है बढ़िया लगता है मैं भी जो सेवा करता मैंने बोला सेवा की कर दे नाल जिदा हम लत्ता मोड़िया तन लत्ता मोड़ता है जो बाबा जी इतने आते मैं दवाई देना सेवा भी करता गुरुद्वारे पट्ठे पाना सेवा झाड़ू पोचा करता सारा जरा जिथे समाध जिथे मेरे दादा ने नाम जपया सेवा करता सवेरे उठ के बाबा जी नितनेम भी करता देखिए ये वो किसान हैं जिन पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं खालिस्तानी है ये हैं वो हैं लेकिन यहाँ पर आप जब ग्राउंड पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ सेवा सुबह से सेवा शुरू होती है रात तक सेवा चलती है और अगले दिन फिर सेवा करनी है यही जज्बा लेकर जी खालिस्तानी सानू ता बोल रहे हो कि शास्त्रधारी हैं हाँ जी हाँ जी ये शास्त्रधारी सानू कल की तार पातशाह ने बख्शिया 3.5 फुटिया कृपाना ओदी कोल रख दे असला अपने अही घर रख दे साडे तक जिथे अलाउ है शास्त्र ते ओ भी धर दे ने जड़े 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 सिख जब बॉर्डर दे देश दी सेवा करदे ने ओ साडे भरा आ ओ साडे भरा आ साडे बच्चे आ ओ हां जी साडे भरा आ साडे बुजुर्ग आ ओ विच जी 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 उन्होंने सेवा कीती इनु इदन ना उनी मर जाने झंडी दिखालती इनु तारे दिस जाने आ हाले ओ बेचारे अपने बैठ रहे आ पे सानू किसे ने पहला पुछया नहीं पहला भी धर्मी फौजियां ने अपने धर्म दे खातर ये फौज छड्डी सी उन्होंने किसे ने नहीं पुछया जे उन्होंने पुछया हुंदा फौज हुण बागी होई हुंदी देखिए मैं आपको साफ बता दूं यहाँ पर बुलंद हौसले और बहुत ज्यादा जज्बा देखने को मिलता है सरकार अपनी जिद पर जरूर है लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि और कुछ दिनों में क्योंकि 100 दिन होने वाले हैं किसान आंदोलन को लगातार हम आपको बुराड़ी से जब 26 तारीख को किसान दिल्ली में आए थे तब से कवरेज दिखा रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तब आपको पता चलता है कि एक एक पर्सन जो यहाँ पर किसान है उसमें कितना जोश है इतना जी ये मोदी जेड़ा ना ये कहंदा असि इनू बना लेना एहो की बना रहे हैं जी हो हिंदूवाद जेड़ा हिंदू RSS बनाना हिंदू वाले बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं पर इनू ये नहीं पता तू किदा बना सकता इत्थे रंगजेव कहंदा सी मैं एक करना महाराज ने कहा सी एक नहीं तीन होणगे इत्थे हुण तीन नहीं हुण चार आ जी जी हुण महाराज ने अगे दसवें पातशाह दस गए सीगे जी ओह कहंदे सुनो नंद लाल सहज साज प्रगट करूं अपना राज चार बर्ण आ चार बर्ण एक बर्ण कराऊं इको बर्ण होना है एक बर्ण कराऊं वाहेगुरु सिंह को नाम जाऊं वाहेगुरु के दा राम दा नाम आ वाहेगुरु के दा कृष्ण दा नाम आ वाहेगुरु है अकाल पुरख वाहेगुरु देखिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कह रहे हैं कि वाहेगुरु मतलब वो ईश्वर अकाल पुरख उस पर किसी पर्टिकुलर पार्टी का कब्जा नहीं है हाँ। वो सबका है सबका ईश्वर है और अरे एक घर में 5 बच्चे हैं तो घर 5 बच्चों का है
किसी एक का कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, लगातार अजाब सिंह जी की कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं। वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं, महाराज कालकीदार कहते सुनो नंद लाल सहज साज, प्रगट करूं अपना राज, चार वर्ण एक वर्ण कराऊं, वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं, हर एक नु वाहेगुरु का नाम जपाऊं। वाहेगुरु केड़ा? जो गुरु नानक पातशाह तो पहला भी सगा, ईसा मसीह तो पहला भी सगा, जो हजरत मोहम्मद तो पहला भी सगा, रामचंद्र तो पहला भी सगा, शिवजी तो पहला भी सगा। शिवजी इन्हें पुछ के देख लो शिवजी का पे दसन केड़ा है तो मां केड़ी, इन्हों ने भी नहीं पता होना। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, एक नाम जो शुरू से चला आ रहा है। एक गालिब का शेर याद आता है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं ना होता मैं तो क्या होता। बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं जब आप ग्राउंड लेवल पर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर एकता है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, यहाँ पर असली हिंदुस्तान बसता है। वो हिंदुस्तान नहीं बसता जो नेशनल टीवी पर आपको रोज रात को दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, लंगर मिलता है, सेवा मिलती है और जज्बा मिलता है, और ऐसा जज्बा मिलता है जो आपको शायद किसी और दुनिया के पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा। ये किसान आंदोलन है और ये उसी रोटी की बात है जो रोटी आप भी खाते हैं, ये किसान उगाते हैं और आप तक पहुंचती है। हाल फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के मैं खड़ा हूं और किसान मेरे साथ थे और अजाब सिंह जी से एक लंबी बातचीत हुई और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने डिस्क प्रॉब्लम को दूर किया। फिर आपसे जुड़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अर्पण न्यूज़। मैं गुलशन वर्मा आपके साथ।